हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज जो है हम टॉपिक जो है कल का लेक्चर जो हमने शुरू किया था दैट वाज द जेनेटिक डिसऑर्डर्स इन ह्यूमंस, उसी को कंटिन्यू करेंगे। जेनेटिक डिसऑर्डर इन ह्यूमंस में मैंने कहा था जेनेटिक डिसऑर्डर्स दो टाइप के होते हैं, जिसमें आपको मैंने कहा था फर्स्ट वन इज़ मेंडेलियन एंड द सेकेंड वन इज दैट वॉज द क्रोमोसोमल। ठीक है, मेंडेलियन में मैंने आपको कहा था कि लाइक इट्स नेम सजेस्ट मेंडेलियन ग्रिगर मेंडल, उसने दो कॉन्सेप्ट दिए थे डोमिनेंट कैरेक्टर्स एंड रिसेसिव। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो है मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की बात में जब इनकी बात हम कर रहे हैं तो इनमें भी यही लगता है कि मैंने आपको कहा था कल, अच्छे से समझा दिया था कि डोमिनेंट और रिसेसिव इन ऑलमोस्ट जितने भी सारे के सारे डिसऑर्डर्स हैं वो रिसेसिव है, और अगर है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि इनके रिसेसिव होने की वजह से जो है ना ये डिसऑर्डर्स बहुत रेयर हो गए। अगर ये डोमिनेंट होते ऑल द टाइम तो क्या होता कि ये डिसऑर्डर्स बहुत कॉमन होते। तो चलिए आज इसको कंटिन्यू करते हैं हम। तो इसमें जो है जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स है दे आर ऑफ टू टाइप्स, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर एंड सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। देखिए, मेंडेलियन में मैंने आपको कल कहा था कि इनका दीज आर ऑल्सो नोन एज द जीन म्यूटेशन जीन डिसऑर्डर्स। ठीक है, जिसमें मैंने कहा था एक सिंगल जीन जो है ना वो बहुत बड़ी गड़बड़ कर सकता है। और यहाँ पर देखिए कि ये दो है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर और सेक्स क्रोमोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। रिसेसिव, मैंने दोनों जगह रिसेसिव लिखा, कल समझाया था ना कि ये डिसऑर्डर्स रिसेसिव, इनका मतलब दे नीड द जीन्स, द बोथ एलीलिक जीन्स नीड टू बी म्यूटेटेड तब ही डिसऑर्डर होगा। तो वही, इसीलिए मैंने रिसेसिव लिखा है कि हर एक जीन अगर म्यूटेट हो रहा है तो वो दोनों के दोनों एलीलिक पेयर, दोनों के दोनों जो है वो म्यूटेट होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ऑटोसोमल मैंने लिखा है और सेक्स क्रोमोसोम, आपको अगर थोड़ा सा याद आया होगा कि ह्यूमन के केस में उन्हीं की, अगर अभी हम केस ले लेते हैं तो 23 पेयर्स थे क्रोमोसोम के, जिसमें मैंने आपको कहा था 22 जो है अलग है और 1 जो है अलग है। 22 पेयर्स को हम ऑटोसोम कहते हैं और इसको हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। ये मैंने आपको सेक्स डिटरमिनेशन में समझा दिया था। ये ऑटोसोम मतलब ये वो डिसऑर्डर है, वो जीन डिसऑर्डर है जो किसमें इनमें से 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम के किसी भी जीन में डिसऑर्डर हो सकता है, म्यूटेशन होगी तो वो दैट लीड्स टू द ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। आई रिपीट माई सेल्फ, मैंने कहा वो जीन म्यूटेशन, लेकिन ये जीन किस पे है, ये सारे के सारे ऑटोसोम क्रोमोसोम्स पे जीन, किसी भी जीन पे हो सकता है, किसी भी ऑटोसोम पे हो सकता है, तो दैट लीड्स टू द ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। और सेक्स क्रोमोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर मीन्स कि यहाँ पे क्या है कि जो सेक्स क्रोमोसोम्स है उन पे ये डिसऑर्डर उन पे ही होगा, वो जीन डिसऑर्डर जो सेक्स क्रोमोसोम पे होता है दैट लीड्स टू द सेक्स क्रोमोसोम रिसेसिव डिसऑर्डर। नाउ सेक्स क्रोमोसोम की बात हो रही है तो मैंने आपको कहा था कि दो ही टाइप के सेक्स क्रोमोसोम है, एक्स एंड वाई। ठीक है, एक्स एंड वाई है, तो यहाँ पर आप देखें, अब ये तो 22 पेयर्स हैं, इनको ये बहुत ज़्यादा नाम, हम इन्हीं की बात करते हैं। सेक्स क्रोमोसोम दो ही है, एक्स और वाई, तो यहाँ पर ऑब्वियसली डिसऑर्डर यहाँ तो एक्स पे हो सकता है, यहाँ तो वाई पे हो सकता है। इसी के बेस पे जो है सेक्स पेयर क्रोमोसोम, ये जो सेक्स क्रोमोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है ये भी फर्दर टू टाइप्स का है, जस्ट बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट, ये भी दो टाइप का है, दैट इज एक्स लिंक्ड एंड वाई लिंक्ड। ठीक है, मैंने आपको अभी तक कहा कि मेंडेलियन डिसऑर्डर दो टाइप का है, ऑटोसोमल एंड सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, एंड रिसेसिव दोनों में लगाया मैंने कि दे आर रिसेसिव डिसऑर्डर्स, कि अगर ये डिसऑर्डर होगा
तो जो जीन है उसके जो दोनों पेयर से दे बोथ नीड टू बी म्यूटेटेड, तब डिसऑर्डर होगा, अगर नहीं है तो डिसऑर्डर नहीं होता है। ठीक है, तो ये दो आए जिसमें ऑटोसोमल एंड सेक्स क्रोमोसोम। मैंने कहा था कि 22 पेयर्स जो है क्रोमोसोम वो ऑटोसोम होते हैं और सेक्स क्रोमोसोम सिंगल पेयर होता है, तो वैसे ही जो है हर एक जीन, ये वो वाला डिसऑर्डर है, टाइप ऑफ डिसऑर्डर, जिसमें क्या होता है कि वो जीन म्यूटेशन इन ऑटोसोमल क्रोमोसोम के किसी भी क्रोमोसोम के जीन पे म्यूटेशन होगा, दे दिस ऑल डिसऑर्डर्स जो है वो इस कैटेगरी में आता है। अब यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम की बात है, दो ही टाइप के सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, एक्स एंड वाई। ठीक है, या तो अगर यहाँ पे क्या है, एक्स वाई का एक्स क्रोमोसोम का जो है जीन म्यूटेट हुआ तो वो लीड्स टू एक्स लिंक, और अगर वाई क्रोमोसोम का जीन म्यूटेट हुआ तो दैट लीड्स टू वाई लिंक्ड डिसऑर्डर। ओके, तो आइए आज जो है हम इसी के बारे में पढ़ते हैं, इन सबको पढ़ेंगे, बट लेटर ऑन आज का हम फोकस करते हैं एक्स लिंक क्रोमोसोम पे। ठीक है, तो देखिए एक्स लिंक क्रोमोसोम जो है ये वो वाला डिसऑर्डर है जिसमें एक्स क्रोमोसोम का जीन म्यूटेट हुआ और वो जो है मेल एंड फीमेल दोनों को इफेक्ट करेगा, उनके फिनोटाइप पे दिखा देगा। जैसे कि हमें पता है फीमेल जो है ह्यूमंस में क्या है, होमोजाइगस है, और मेल जो है वो हेटेरोजाइगस है। ठीक है, तो एक्स क्रोमोसोम के एक्स क्रोमोसोम के कोई भी जीन म्यूटेट हुआ तो वो डिसऑर्डर लीड करता है, दैट डिसऑर्डर जो है वो एक्स लिंक डिसऑर्डर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कि फीमेल में दो एक्स हैं, तो अगर एक वाला एक्स का जीन हुआ है म्यूटेट हुआ है तो वो कैरियर कहलाती हैं। ठीक है, इसका एक हुआ है तो दूसरा इसको जो है ना इजीली जो है ना स्टेबल कर सकता है, लेकिन अगर इसका हो गया तो यहाँ पे जो है मेल तो ऑब्वियसली डिसऑर्डर होगा, उसका पेयर और रिसेसिव है, रिसेसिव का मैं दोबारा नहीं बोलने वाली। ओके, तो यहाँ पे देखे इसमें हम दो डिजीजेस पढ़ेंगे, कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया। आज हम पढ़ेंगे कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस ये दो है जो एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स है, डिजीजेस हैं। ठीक है, जिसमें हम आज जो है इसी के बारे में, कलर ब्लाइंडनेस के बारे में पढ़ रहे हैं, और बाद में हम हीमोफीलिया भी डिस्कस कर लेंगे। तो कलर ब्लाइंडनेस मीन्स अ पर्सन इज ब्लाइंड टू सर्टन कलर्स, नॉट ऑल द कलर्स। कलर ब्लाइंडनेस बहुत अलग अलग टाइप की होती है, जिसमें जो है जो आपके सिलेबस में है दैट इज रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। आपके सिलेबस में ये वाला कलर ब्लाइंडनेस है, तो हम इसी के बारे में पढ़ते हैं। ओके, तो रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस मतलब एक और एक इंडिविजुअल जो है जो कलर ब्लाइंड है टू रेड एंड ग्रीन कलर, वो इन दो कलर्स को नहीं देख सकता है। वजह क्या है कि ये दो कलर्स उसको दिखते ही नहीं है, अच्छा खासा हट्टा कट्टा इंसान है लेकिन ये दो कलर्स को डिफरेंशिएट किया दिखता ही नहीं है। ओके, वो क्या है कि इसमें क्या होता है कि जो रेड और एंड ग्रीन कोन्स आंखों में होते हैं ना कोन्स, तो वो जो है उनका जीन वो ही म्यूटेट हो गया। रेड और ग्रीन जो आईज में जो कोन्स प्रेजेंट है वो कोन्स उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन है वो जीन जो है वो क्या है म्यूटेट हो गया। म्यूटेट होने की वजह से दैट इंडिविजुअल वो कलर ब्लाइंड हो जाता है टू कलर रेड एंड ग्रीन। आई रिपीट माई सेल्फ, मैंने कहा कि द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड एंड ग्रीन कोन्स इन द आई जो है वो क्या होते हैं वही म्यूटेट हो गए, उसकी म्यूटेशन की वजह से क्या हुआ कि ये कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसका क्या है कि अबाउट 8% जो है मेल्स में ये वाला कलर ब्लाइंडनेस होता है और 0.4% फीमेल्स में होता है। पहले ही देखिए 8% जा रहा है, क्योंकि ये रेयर है ना, मैंने पहले ही कहा है कि ये डिसऑर्डर जेनेटिक डिसऑर्डर्स ये काफी रेयर होते हैं बहुत ही ज्यादा रेयर होते हैं और रिसेसिव है, दैट इज व्हाई, क्योंकि ये रिसेसिव डिसऑर्डर है इस वजह से रेयर है।
अब इस रेयर केस में भी देखो कलर ब्लाइंडनेस जो है 8% मेल में है और 0.4% फीमेल में है। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जो मेल होते हैं एक्स वाई, यही है ना इनका सेट, क्रोमोसोमल सेट एक्स वाई हेटेरोजाइगस, यहाँ पे जो वाई है वाई पे रेड ग्रीन कोन का जीन ही प्रेजेंट नहीं है। अगर ये प्रेजेंट ही नहीं है तो अगर ये म्यूटेट हो गया तो डायरेक्टली लीड्स टू कलर ब्लाइंडनेस। समझ रहे हो आप? मैंने कहा कि जो हेटेरोजाइगस है एक्स और वाई मेल में ज्यादा क्यों है इसका नंबर, रेयर केस में भी मेल जो है ज्यादा है, बिकॉज कि यहाँ पे जो वाई क्रोमोसोम है वाई क्रोमोसोम पे रेड एंड ग्रीन कोन जीन प्रेजेंट ही नहीं है। तो अगर बाय चांस एक्स क्रोमोसोम इसका जो है म्यूटेट हो गया, आई मीन एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड एंड ग्रीन कोन, वो म्यूटेट हो गया, वो मेल जो है अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, कलर ब्लाइंड बन जाएगा। ठीक है, अब हम इसका इनहेरिटेंस पैटर्न पढ़ते हैं कि ये अगर जो है ये फैलेग ऑब्वियसली फैलता है, मैं बता दूँ रिसेसिव है, तो यहाँ पे ये कि ये हेरिडिट्री है, ये जो मेंडेलियन जितने भी हम पढ़ रहे हैं ना डिसऑर्डर्स, ये सारे हेरिडिट्री है, ये जो है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन जो है पास ऑन होते हैं, लेकिन रेयर है बिकॉज रिसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है, इसका भी क्या है, ये भी फैलता है, ये भी फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन जो है पास होता है। अब वही हम देखते हैं कि इसका इनहेरिटेंस पैटर्न क्या है। दिस पैटर्न इज कॉल्ड एज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस पैटर्न। ओके, जो ये इसकी इनहेरिटेंस होती है, जो ये पास ऑन होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, वो किस पैटर्न में होता है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस पैटर्न। लेट मी नाउ शो यू व्हाट इज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस पैटर्न। तो कलर ब्लाइंड की बात करते हैं, ठीक है, फीमेल नॉर्मल फीमेल, मैंने एन जो है एन सिंबलाइजेस कि ये क्या है, नॉर्मल फीमेल है, फीमेल क्या है नॉर्मल, और मेल कलर ब्लाइंड, सी छोटा सा सी मैंने इस पे लिखा है, एक्स सी जो है कलर ब्लाइंड। ठीक है, ये क्या है मेल कलर ब्लाइंड मेल। ओके, इनके बीच के क्रॉस, इनका बीच में क्रॉस होगा तो क्या बनेगा, आप देखें यहां से ये सेम है तो मैं एक ही ले लेती हूं, ठीक है, इसका जो है गैमेट बना, इसके दो बनेंगे X, C and Y, अब फर्स्ट जनरेशन क्या बनेगी, F1 जनरेशन, दैट इज XN XC XN Y, मेल फीमेल। लेकिन यहां पे देखिए फीमेल में एक एक्स नॉर्मल है और एक एक्स कलर ब्लाइंड है, मेल में एक्स नॉर्मल है और वाई ऑब्वियसली इसका काम नहीं है कुछ। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो है एक्स इस पे कलर ब्लाइंड जीन है लेकिन ये कलर ब्लाइंड फीमेल नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज यहाँ पर देखिए इसका दूसरा नॉर्मल है, तो इस वजह से ये रिसेसिव, ये क्या, इसको हम क्या कहते हैं, कैरियर फीमेल, जो कैरी करता है, इसको खुद पे नुकसान नहीं है लेकिन ये कैरी कर रही है। अब कैरी देखते हैं कैसे कैरी करती है। अब क्या हुआ, अगर अब क्या हुआ, इनके बीच में, नॉट इनके बट एक कैरियर फीमेल के बीच में और एक नॉर्मल मेल के बीच में क्रॉसिंग होगी, एट दैट टाइम जो है, जो इनका, आगे मैं बता देती हूँ यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा छोटा छोटा मैं लिख लेती हूँ, यहाँ जगह नहीं बची। नाउ ये है F1 जनरेशन, ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या है, मैंने कहा ये है कैरियर फीमेल जो इस म्यूटेटेड जीन को कैरी कर रहा है। ठीक है,
यहाँ पर देखें, जब एक कैरियर फीमेल और नॉर्मल मेल के बीच का मेटिंग होता है, मतलब इनके बीच में क्रॉस कराएंगे, तो हमारे पास चार टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स बनते हैं। सबसे पहले देखिए XN, ये X इस X के साथ जुड़ा, रुके कंफ्यूज नहीं होना, ये वाला X इस X के साथ क्रॉस किया, क्या बनाया, XN, ओके, यही X इस Y के साथ क्रॉस करा, XNY, ये समझे आप, एक X इस X के साथ क्रॉस किया, XN बना दिया, और यही XN जो है Y के साथ भी क्रॉस करेगा, बना दिया ये। अब क्या है, अब ये कलर ब्लाइंड X जो है इस नॉर्मल X के साथ बना देगा, क्रॉस करेगा, ठीक है, और यही कलर ब्लाइंड और जो ये Y क्रोमोसोम है, ये आई इसकी ऑफस्प्रिंग F2 जनरेशन। यहाँ पे देखिए, ये है नॉर्मल, ये भी है नॉर्मल, फीमेल नॉर्मल है, मेल भी नॉर्मल है, ठीक है, फीमेल एक कैरियर है और मेल क्या है, कलर ब्लाइंड। आई रिपीट माई सेल्फ, नॉर्मल फीमेल, कलर ब्लाइंड मेल, इनके बीच के क्रॉस हुआ तो F1 जनरेशन में एक कैरियर फीमेल है, नॉर्मल मेल बन गया, ठीक है। जब कैरियर फीमेल और नॉर्मल मेल के बीच की क्रॉसिंग होती है, एट दैट टाइम चार टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स बने, जिसमें एक दो नॉर्मल मेल एंड फीमेल होंगे, एक कैरियर फीमेल होगी और एक कलर ब्लाइंड जो है मेल होगा। आप देखें, ये है, यहाँ पे देखें, ये है दादा दादी, ये है दादी दादा, ये आए पेरेंट्स और ये आए ग्रैंड चिल्ड्रन, है ना। तो यहाँ से क्या हुआ, दादा से क्या हुआ, यहाँ पे देखिए मैं ऐसे दिखा देती हूँ, दादा से कलर ब्लाइंड जो है, कलर ब्लाइंड जीन, म्यूटेटेड जीन पास हुआ कहाँ, मम्मी के पास, मम्मी से जो है ना, मम्मी को कुछ नहीं हुआ, खुद को कुछ नहीं हुआ, शी इज जस्ट कैरिंग द म्यूटेटेड जीन, उससे क्या हुआ, यहाँ से जो ये मम्मी है, मम्मी से ये म्यूटेटेड जीन पास हुआ पोते में, समझ रहे हो, दादा से मम्मी के थ्रू पोते में कलर ब्लाइंड जीन पहुंच गया। इस टाइप ऑफ जो ये इनहेरिटेंस पैटर्न है, इसको कहते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस पैटर्न। मैं दोबारा बता देती हूँ, यहाँ देखिए, दादा है कलर ब्लाइंड, ठीक है, मम्मी है कैरियर, ठीक है, खुद पे कुछ नहीं हुआ मम्मी को, जस्ट शी इज कैरिंग द म्यूटेटेड जीन, ठीक है, दादा से मम्मी में क्या आया, सॉरी नानी, नाना, नाना से मम्मी में जो है क्या आया, दैट इज कलर ब्लाइंड म्यूटेट वो जीन, ठीक है, मम्मी से जो है पोते में गया म्यूटेटेड जीन, ठीक है, ओनली पोता, एक नॉर्मल है, सिर्फ एक जो है बाई चांस, ठीक है। तो इस वाले इनहेरिटेंस पैटर्न को कहते हैं क्रिस क्रॉस, क्रिस क्रॉस, ठीक है। तो ये है इसका इनहेरिटेंस पैटर्न कलर ब्लाइंडनेस का, समझ गए आप, तो ये है इसका पैटर्न। तो कलर ब्लाइंड मेल्स में ज़्यादा होता है, जैसे मैंने पहले कहा 8% ज़्यादा है, बिकॉज वाई में, वाई क्रोमोसोम पे कोई भी जीन रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, रेड एंड ग्रीन कोन के लिए है ही नहीं, जिसकी वजह से मेल में थोड़ा ज़्यादा मेजॉरिटी होती है इस डिसऑर्डर की देन द फीमेल। और कलर ब्लाइंड का इनहेरिटेंस पैटर्न जो है क्रिस क्रॉस है, मैंने आपको समझा दिया, आई होप आपको समझ आ गई है, और थैंक यू वेरी मच, कल इसको कंटिन्यू करेंगे विद अनदर डिसऑर्डर कॉल्ड हीमोफीलिया, टिल देन सी यू नेक्स्ट टाइम।